यहाँ गंदगी फैलाना मना है, क्योंकि ये हमारा, हम लोग बच्चों को बचपन से नहीं सिखाते हैं, बचपन से हमें जागरूक नहीं करते हैं। जब बड़े होते हैं हम सोचते हैं कि एक साथ जो है बच्चा कुछ निकले और आगे निकल सके। तो इसी चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए चैलेंजर्स ग्रुप लगातार ऐसे इनिशिएटिव को लेता रहता है। इसी के साथ में बहुत ज़्यादा जो है बात को मैं नहीं बढ़ाना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि आप किसी सबके पास मेरे से इस सभी का एक्सपीरियंस है। मैं भी अपने जो मैं टीम के इतने मेरे साथी हैं उनको बच्चा कहकर संबोधित करता हूँ। जो ये ग्रुप चला रहे हैं बहुत ही अच्छा है, उसके लिए मैं हमेशा सपोर्ट करूँगी और हमेशा उसके साथ रहूँगी। ये चाहती हूँ और जो बच्चे ना पढ़ पाएँ उनके लिए हम हमेशा उनके साथ हैं और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वैसे बहुत बढ़िया, बहुत शुरू से मेरी इच्छा थी जुड़ू, लेकिन मौका कभी नहीं मिला क्योंकि दुकानें बिजी रह गए। आज पहली बार मौका मिला था, आए अपनी बहुत बढ़िया बात है। तो ये लगा लो कि मेरे पास खुद ही चल के आ गए, मेरी इच्छा थी मैं जाऊँ उनके पास लेकिन वो खुद ही मेरे पास आ गए। जो सर काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और मतलब इच्छा सबको होती है करने की कि हम कुछ करें, पर आगे निकल के ना बहुत कम लोग होते हैं जो आ पाते हैं। किसी भी प्रतियोगिता में पार्ट लेना सिर्फ जीत इसमें ज़रूरी नहीं है, उसमें सीख भी जरूरी है। जैसे हमारे सर कहते हैं या तो जीत होती है या फिर सीख होती है, हार तो होती है। आप लोगों का कमिटमेंट, जो चेहरे, भाषा, बॉडी लैंग्वेज सब में दिखाई दे रहा है, उससे आई वॉज रियली गुड। थैंक यू सर, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। आई वुड से लगे रहिए, मेरा कुछ अगर अनुभव किसी काम आ सके आई विल बी हैप्पी। ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग का वर्ल्ड एड्स डे था, तो एक्चुअली ये दो तरीके से हम लोगों ने इसको यूज़ किया। पहला तो कि जागरूकता लाया बच्चों, और दूसरा बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ाया, बच्चों के ड्राइंग स्किल हमको दिखी पोस्टर मेकिंग से कि हाँ बच्चों में क्या क्या कला है, कितना वो सोच सकते हैं, है ना, उनकी कल्पना कहाँ तक जा रही है। तो ये दोनों काम हमने किया और हम लोग सफल भी हुए हैं, बहुत अच्छा भी लग रहा है, सब लोग यहाँ एकजुट हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम और आगे बढ़े और हम अच्छे काम करें और फिर हम लोग आप सबसे दोबारा मिलें। सम्मानित अतिथिगण का मेरा नमस्कार, मैं निशा। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं उसका शीर्षक है एड्स। एड्स एड्स एक अदृश्य दानव के खिलाफ संघर्ष। अदृश्य इसलिए क्योंकि हम उसकी ओर देखना नहीं चाहते, या इसलिए कि वो दिखता नहीं, क्योंकि हम उसकी ओर देखना नहीं चाहते, इस वजह से वो अदृश्य हम कहते हैं। कि हर वर्ष हम देखते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो इस विषय पे बात करने पे हिचकते हैं, क्योंकि तो उनके हिसाब से संस्कृति, समाज ये सब क्या करेगी। अगर हम अपनी संस्कृति, अगर हम ही जिंदा नहीं रहे तो संस्कृति, अनैतिकता, नैतिकता पालन कौन करेगा। अगर हम ही हैं, हमारे द्वारा ही सब चीज़ चल रही है, संस्कृति है, संस्कृति का पालन करना भी आवश्यक है। पर ये भी नहीं कि हमारा जीवन भी ज़रूरी है। अगर हम इसके खिलाफ अगर हम अभी से शुरू नहीं करेंगे इसके खिलाफ, तो कुछ आगे जाके कुछ परिवर्तन हो नहीं पाएगा। युवाओं में एक अधिक शक्ति होती है ऐसा मैंने महसूस किया। तो पढ़ाने के साथ साथ में हमने महिलाओं को भी जो है बीच में दूध क्लास देने का प्रयास किया। उसके बाद में धीरे धीरे साथी जुड़ते चले गए, आर्ट एंड क्राफ्ट जुड़ता चला गया। फिर हमने प्लास्टिक लाओ शिक्षा पाओ एक कैंपेन शुरू कर दिया। उसके बाद में धीरे धीरे जब हम लोग अच्छा काम कर रहे थे तो गाइडेंस शुरू हो गई मिलना शहर की, समाज की, हमारे बड़ों की। तो ऐसे सर हम लोगों ने शुरू किया। आज नोएडा के ही अंदर नहीं, दिल्ली, NCR, गाजियाबाद में लगभग हम लोग 8 सेंटरों पर जो है बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का काम कर पा रहे हैं, जो कि किसी भी कोई भी गवर्नमेंट एड नहीं है, कोई गवर्नमेंट फंड नहीं है, कोई हमारे पास में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इन युवाओं के बल पर, युवाओं की शक्ति पर। क्योंकि जो पढ़ाने वाला होता है वो पैसे नहीं लेता, जो पढ़ने वाला होता है वो पैसे ना लेता है ना देता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि एक जगह चाहिए होती है और हम लोग कहीं भी जहाँ जगह मिलती है वहाँ बैठकर पढ़ाना शुरू कर देते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, मैं वेलकम करना चाहूँगा एक बार जोरदार तालियों के साथ में हमारे अखिल चतुर्वेदी जी का। देखिए किसी भी तरीके के परिचय के मोहताज नहीं है भैया। और सभी बच्चों को शुभकामनाएं कि जो आज जीते हैं इनाम या जीते हैं, और जिन लोगों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, अच्छे काम की श्रृंखला होती है और हर कोई अपने जीवन में चाहता है कुछ अर्थपूर्ण करे। तो मेरे ख्याल से प्रिंसिपल वो अर्थपूर्ण सुना है अभी, और इसको करते रहेंगे, इसको बड़ा करते जाएंगे तो बहुत अच्छा है। मैं बुलाना चाहूँगा आयुष शाह।
तो हम बुलाना चाहेंगे, किसका मन कर रहा है? एक ही बचा है बस, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं ही चला जाऊँ इसके ऊपर से। हम बुलाना चाहेंगे चांदनी। yeah!